अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्राउन काजमी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रेन, और ब्रेन का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, वन बाय वन उसको देखेंगे। और ये लेक्चर्स को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हर स्टूडेंट के लिए ईजी रहे इसको याद करना। और स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए कुछ आज फार्मूलाज लेकर आया हूँ कि जिस फार्मूले के तहत इंसान कोई भी स्टूडेंट जो है उसको इजीली याद कर सकते हैं। लेट्स स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन क्या होता है। यानी ब्रेन स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन है, वो कोऑर्डिनेटर है जो आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करवाता है। स्टूडेंट, हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। पहले हम कलेक्टिवली हम एक चीज देख लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन है इसकी डिफिनेशन हम कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑल एक्टिविटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, यानी आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपका बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, एक कोऑर्डिनेटर है, वो जो परफॉर्म करवा रहा है उसका नाम है स्टूडेंट्स ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंट्रोडक्शन की कि ब्रेन होता कहाँ है। सबसे पहले इनसाइड द क्रेनियम, ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम, यानी ये जो आपकी खोपड़ी होती है इसके अंदर ब्रेन आपका पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए इसके लेयर्स की तो हमारे पास तीन लेयर्स आती है। स्टूडेंट, जैसे मैंने ये आपके लिए डायग्राम में बनाया हुआ है, सबसे बाहर ये ऊपर है, इसे क्रेनियम कहा जाता है। इनसाइड द क्रेनियम थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट, तीन लेयर मौजूद होती हैं। स्टूडेंट, सबसे आउटर जो लेयर है उसका नाम है ड्यूरा मैटर, एंड द इनर एंड द मिडल इज रेटिनाइड मैटर, एंड द इनर इज पिया मैटर। स्टूडेंट, एक पॉइंट माइंड में बिठा लीजिए कि आपका जो फ्लूइड है सीएसएफ, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, वो आपके रेटिनाइड मैटर एंड पिया मैटर के दरमियान मौजूद होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम सीएसएफ की। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सीएसएफ क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये वो फ्लूइड होता है जो वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल के अंदर मौजूद होता है। ये आपके लिए मैंने इसको डिफाइन किया हुआ यहां पर। स्टूडेंट, ऐसा फ्लूइड जो वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल के अंदर मौजूद हो उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। ये जस्ट हमने इंट्रोडक्शन लिया, पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन, वन इज कॉल्ड फोर ब्रेन। स्टूडेंट, ये जो आपको सामने आपके सामने जो खोपड़ी है, फ्रंटल रीजन जो है, इसके अंदर मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। स्टूडेंट्स, आपके फोर ब्रेन से जो पीछे है उसे कहा जाता है मिड में पाया जाता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड मिड ब्रेन। और स्टूडेंट, लास्ट में जो आपका ब्रेन पार्ट पाया जाता है उसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपको सिर्फ फोर ब्रेन का एक पॉइंट हम आपको बताएंगे और उसके साथ उसके फार्मूला की फॉर्म में फंक्शन भी बताएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो पार्ट आ जाता है उसका नाम है स्टूडेंट सेरिब्रम, सेरिब्रम। स्टूडेंट, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। यानी आपका जो फोर ब्रेन है वो आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ ब्रेन हैं उन सब में से लार्ज है, और आपका जो सेरिब्रम है वो फोर ब्रेन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, स्टूडेंट सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, उन दोनों से ये लार्ज होता है और इसको कहा जाता है लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपके लिए सेरिब्रम के जो फंक्शन होते हैं, जो ये काम आपकी बॉडी के अंदर करवाता है, जो किन काम को ये कंट्रोल करता है, फंक्शन परफॉर्म करवाता है, उसको मैंने फार्मूला की फॉर्म में लिखा है। स्टूडेंट, सिंपल सी ये एक टिप्स है आपके लिए, इसमें है माइट, MITE, इस तरीके से आप इसको याद कर लें। M फॉर स्केलेटल मसल मूवमेंट, I फॉर इंटेलिजेंस, T फॉर थिंकिंग, E फॉर इमोशन स्टेट्स, इमोशन। स्टूडेंट, ये चार काम ये आपकी बॉडी के अंदर आपका सेरिब्रम करवा रहा होता है।
शामिल है वो अपनी कॉपीज में नोट कर लें। स्टूडेंट नेक्स्ट अगर बात की जाए, आपका जो सेरिब्रम है वो दो स्फीयर के अंदर डिवाइड होता है। योर सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू टू स्फीयर, दैट्स कॉल्ड हेमी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। वन इज लेफ्ट एंड अदर वन इज राइट। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है स्टूडेंट्स और एक राइट हेमिस्फीयर है। आपके जो सेरिब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर है कि आपके बॉडी के राइट बॉडी पार्ट्स राइट साइड पे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और आपके जो राइट है वो लेफ्ट, यानी ये एक लेफ्ट वाला राइट वाली साइड के फंक्शंस कंट्रोल करेगा और लेफ्ट वाला और राइट वाला उसके अपोजिट करेगा। स्टूडेंट अगर बात की जाए इन हेमिस्फीयर के ऊपर एक लेयर अपर लेयर होती है जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं कॉर्टेक्स। यानी आपको ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम डिवाइड हुआ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक लेफ्ट है एक राइट है। स्टूडेंट्स इन लेफ्ट और राइट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं इनके ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके हेमिस्फीयर हैं, ये आपका सेरिब्रम है, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। स्टूडेंट्स आइए बात कर लेते हैं। Your cerebral hemisphere, cerebrum is made up of grey matter and white matter. Student पहले बता चुका हूँ grey matter क्या है, white matter यहाँ पे ये point दोबारा से repeat हो रहा है। Student grey matter and white matter में हम difference करते हैं कि grey matter में आपके पास जो axons होते हैं वो non-myelinated होते हैं। Student आपके लिए मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी भी है कि cell bodies मौजूद होंगी एंड नॉन माइलिनेटेड एग्जॉन्स यहां पर मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स इन केस ऑफ वाइट मैटर हमारे पास सब के सब जो होते हैं एग्जॉन्स जो होते हैं, इन एग्जॉन्स वो धागा है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक समान धागा एक फाइबर है जो आपकी सेल बॉडी से अवे मैसेज लेकर आता है, उसके ऊपर माइलिन शीट होती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड माइलिनेटेड एग्जॉन। स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने एक और चीज भी टिप्स की फॉर्म में लेकर आया हूं, वो ये है कि आपको आप जो सेरिब्रम है, आपके सेरिब्रम के अंदर जो स्फीयर हैं जिन्हें हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, इसके कुछ लोब्स हैं। ये लोब जिस तरह लेफ्ट के होंगे राइट के भी इतने लोब्स होते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपका ये जो फ्रंटल लोब है, स्टूडेंट फ्रंटल लोब है इसके क्या क्या काम है, नंबर वन प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर टू जजमेंट, नंबर थ्री स्पीकिंग, नंबर फोर मूवमेंट। स्टूडेंट ये सारे के सारे काम आपका फ्रंटल लोब करवाता है। स्टूडेंट फ्रंटल से बैक चले जाएं, इसका नाम है ऑसिपिटल लोब। स्टूडेंट ये आपका फ्रंटल रहा, इन दैट अदर साइड ये जो है आपका ये ऑसिपिटल लोब है। स्टूडेंट ऑसिपिटल ओ फॉर, ये मैं एक अपनी टिप से शेयर करता होता हूं स्टूडेंट्स के साथ कि ओ फॉर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट से, लाइट का मतलब होता है देखने से, यानी आपका ऑसिपिटल किसके अंदर रोल प्ले करेगा, विजन के, यानी आप कोई चीज देखते हो। और नेक्स्ट इसका क्या काम है स्टूडेंट्स, वो आपका कलर परसेप्शन है। स्टूडेंट इसके बाद बात करें हम टेम्पोरल लोब की, टेम्पोरल लोब यहां पर मौजूद होता है, इसी से रिलेटेड इसके काम ये है, लर्निंग है, हियरिंग है और मेमोरी को स्टोर करना इसका ये काम है। स्टूडेंट्स इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, आपके पास आता है पैरिटल लोब। स्टूडेंट्स पैरिटल के हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं, एक तो ये लैंग्वेज को काम करता है, दूसरा ये टच में अपना रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया कि हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर है उसके लोब्स के बारे में, कि हमारे पास जितने लोब्स हैं उनका क्या क्या काम है आपकी बॉडी के अंदर। स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इन पॉइंट्स को अपने पास रजिस्टर में नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। तो ग्रामर अकादमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।